जवा तहसील अंतर्गत ग्राम जनका हाई के सोना पोखर इलाके में ग्रामीणों द्वारा खुदाई के दौरान 5 फीट में जल निकल आया, जिससे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा संकीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तेरसु प्रजापति द्वारा समस्त जनों से महाप्रसाद ग्रहण करने व अपना अपना सहयोग देने की अपील की गई। क्या नाम है आपको? हमारा नाम है तेरसु प्रजापति। अच्छा, तो जो सोना पोखर में जो जल निकला है जी, तो उसके उसका क्या महत्व है और उसके बारे में बताइए क्या उसके बारे में? ये है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि गंगा जी प्रकट भई, तो वहाँ सब लोग जितने गए गंगा जल का पाइन पंचमी का गंगा जल का, तो उनका कहना ये है कि हम लोग आते हैं तो हम लोगों का इतनी शांति हो जाती है यह धाम से कि लागत है हम लोग यहाँ से टरबे न करी, तो ये तो गंगा माई प्रकट हुई है तो हमारे मन में शांति है। तो हमको ये लगता है कि जो हमारे महामाई दाई कोरोना महाराज जी परेशान करते थे, तो वो एक प्रसाद रूप में वहाँ प्रसाद दाई दीनी लिखनी माता, तो वो अपना कि जो कोरोना महाराज जी उपद्रव करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी दवाई है कि गंगा जल पिए, उनके मन में शांति आए। अच्छा, अभी क्या अग्रिम है वहाँ पर जो है? तो अभी तो वहाँ अभी तो कार्यक्रम ये चल रहा है कि 5 फुट गहलान, 5 फुट लंबाई चौड़ाई कि एक बौलिए कुएं खोदी गए है, तो उस कुएं में जल प्राप्त हुआ जो गंगा माई की चर्चा हो रही, तो उसी जल के माने प्रसाद वितरण करे के उद्देश्य में अपना के 26 तारीख का सीताराम के भजन है 24 घंटा के जी। और 13 का अपना के 27 तारीख का प्रसाद वितरण है, तो उसी में हम चाह रहे हैं कि साधु संत भगत है भगवान सबको उसमें भंडारे में सवा कर इस यज्ञ को ऐसा उत्साह करें कि देश में अपने खुशहाली आवे, ताकि यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजों देखने में आ रहे हैं कि सब लोग परेशान हैं। बिल्कुल, तो परेशानी का एक तकलीफ टालने के बाद ही हमारी शीतलामाई इतना बड़ा आशीर्वाद ओ धाम पे दिए हैं, जबकि लिखनी माताएं पूरी दाई हैं, बहुत सारे देवता हैं वहाँ, बहुत शक्तिशाली देवता हैं। अब उनके यहाँ जब साधु संत भगत जाएंगे तो उनको खुद अपने आप एहसास होगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा अच्छा धाम था लेकिन कोई खोज नहीं पाया, अब हमारे बिंज बाबा नारायण नरसिंह दास बाबा एक गुरु महाराज रे ऐसा वहाँ के उपचार कर दिए कि डिटमन के दिन का ये रहा के धनतेरस का बैठकी में पिछले में डिटमन तारीख का चर्चा है, विधायक महोदय जी के लगे पहुंची बात कि नहीं विधायक महोदय जी ये एक जो ना तो हमको डिटमन के जल के आग्रह कह दिन जाए कि हैंडपम्प लगवा दिन जाए, तो हमारे विधायक महोदय जी कहें कि हम लगवा देंगे गर्मी में, तो हम तो अब चिंतित हो गए, तो हम उसी दुर्गा माई को आश्रम में पड़ गए कि दुर्गा माई हम तो ऐसा है कि हमारी ड्यूटी लग गई है, तो हम 5 दिन पानी तो ले आए दूर से लेकिन बहुत दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं कि हे गंगा माई कहीं में कहीं ऐसे प्रकट हो जाओ कि संसार के खुशहाली हो जाए, हमको भी माता जी हमको स्नान धान कराने का मिल जाएगा, हमको भी प्रसाद मिल जाएगा, तो डिटमन के बिहान गंगा माई प्रकट हो गई, तो 5 मने ये भक्त एक हाथ एक बीता में खुदाई कर लो बेटा, आपको जल मिल जाएगा 4 बजे, तो हो गए खुदाई करते करते हम कहेंगे प्रभु जी तो आपको एक ड्रम से ज्यादा ही जल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, और दिन प्रतिदिन बढ़ती हो रही, तो हमारे ये है कि हमको ये लगा कि ये हमारी दुर्गा माई सबको जय जय काल मनाकर खुशहाली अपने देश में ले आने चाहती हैं, तो ये हम चाह रहे हैं कि सब लोग आप लोग पधारिए प्रसाद लीजिए और वहाँ के जय जयकार हो, आपका भी जय जयकार हो, गौ माता को वहाँ विस्तार भी हो जाए, तो गौ माता का विस्तार हो जाए तो केहू को टालना ना हो, जय जयकार दुर्गा माता जी की जय। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।